हे गाइस, तो व्हाट्सएप तो हम सभी यूज करते हैं, बट व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे कूल अमेजिंग और हिडन ट्रिक्स हैं जो व्हाट्सएप में प्रेजेंट तो हैं, बट जो है हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं। सो या गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को ऐसे ही कुछ 6 अमेजिंग व्हाट्सएप के हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। सो हो सकता है कि आप लोगों को इनमें से एक या दो ट्रिक मालूम है, बट 6 के 6 ट्रिक आप लोग को मालूम है ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही मालूम चलेगा। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एसिंग राजपूत यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का जो हमारा सबसे पहला ट्रिक है वो ये है कि कैसे जो है हम एक ही समय में एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। सो उसके लिए जो है आपको व्हाट्सएप के ऊपर में जो 3 डॉट का आइकन दिखता है उस पर क्लिक कीजिए, और उस पर जो है न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप अपने जिन जिन कॉन्टैक्ट्स को एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं उन सारे कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो भी मैसेज हो या फिर जो भी इमेज हो या फिर जो भी PDF फाइल हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसे भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है कोई भी जो है मतलब कि ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, और इससे जो है डायरेक्ट मैसेज जो है उन सभी को जाएगा। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज, आज का जो हमारा अगला ट्रिक है वो ये है कि हम कैसे अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के या फिर बिना GB व्हाट्सएप के। तो उसके लिए जो है आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना होगा, और अपने फाइल मैनेजर में ऊपर में आपको 3 डॉट का आइकन दिखेगा या फिर आपके नीचे में, वहाँ से जो है आप शो हिडन फाइल्स को ऑन कर दीजिए। शो हिडन फाइल्स को ऑन करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप के फोल्डर में जाना होगा, और व्हाट्सएप के फोल्डर में आपको मीडिया का फोल्डर मिलेगा, और वहाँ पे डॉट स्टेटस यूजर्स का एक फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको सारे व्हाट्सएप स्टेटस जो है आपके फ्रेंड के वहाँ पे दिख जाएंगे। सो वहाँ से आपको जो स्टेटस आपको डाउनलोड करना है उसे बस उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, और वहाँ से जो उसको कॉपी या फिर मूव कर लें किसी भी फोल्डर में, और उसके बाद जो है वो आपके गैलरी में शो होने लगेगा या फिर आपने जिस फोल्डर में रखा है वहाँ पर शो होने लगेगा। सो गाइज, अगर आप लोग के अपने फाइल मैनेजर में हिडन फाइल्स का ऑप्शन नहीं आता है तो आप ये फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो डाउनलोड करने के बाद बस इसके जो है लेफ्ट में स्वाइप करें, और वहाँ पे आपको शो हिडन फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन कर लें। उसके बाद आप व्हाट्सएप में जाएँ, और व्हाट्सएप के फोल्डर में आपको डॉट मीडिया के फोल्डर में आपको डॉट स्टेटस यूजर्स का एक फोल्डर मिलेगा, और वहाँ पर आपके सारे जो है व्हाट्सएप के स्टेटस मिल जाएंगे, फिर वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा अगला ट्रिक है वो ये है कि कैसे जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस को किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लगा सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना होगा, और वहाँ पे आपको अकाउंट का सेटिंग मिलेगा, और वहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइवेसी के ऑप्शन में आपको स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ओनली शेयर विथ का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अगर अपना व्हाट्सएप स्टेटस किसी एक या फिर उससे ज़्यादा को दिखाना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो है ओके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आप जब भी व्हाट्सएप स्टेटस डालेंगे तो सिर्फ उसी को दिखेगा। तो बहुत ही कमाल का फीचर है उन लोगों के लिए जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए लगाना चाहते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा अगला ट्रिक है वो ये है कि कैसे जो अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस को एनोनिमसली देख सकते हैं, मतलब कि उसे भी पता भी नहीं चलेगा और आपने उनके व्हाट्सएप स्टेटस को देख भी लेंगे। तो उसके लिए जो है आपके अपने जो है फाइल मैनेजर में जाना होगा, और फाइल मैनेजर में आपको जो है शो हिडन फाइल का ऑप्शन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप शो हिडन फाइल के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप के मीडिया फोल्डर में जाना होगा, और वहाँ पे आपको डॉट स्टेटस यूजर्स का एक फोल्डर मिल जाएगा, और वहाँ पे आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी का व्हाट्सएप स्टेटस आपको दिख जाएगा, और आप वहाँ से आसानी से जो है सभी के व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकते हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनके व्हाट्सएप स्टेटस को देखा है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज, आज का जो हमारा अगला ट्रिक है वो ये है कि कैसे जो अपने स्टेटस में 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो को लगा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप में जो है स्टेटस में हम लोग मिनिमम मैक्सिमम जो है 30 सेकंड के वीडियो को लगा सकते हैं। सो उससे ज़्यादा का वीडियो को कैसे लगाना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना होगा DUGIF मेकर। जैसे ही आप टाइप करेंगे सो आपको ये एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें, और ओपन करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिल रहा होगा वीडियो टू GIF, उस पर क्लिक करके आप जो वीडियो जो है स्टेटस में लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसका एक स्टेटस बना लें, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और टाइम लगाने के बाद जो आपका जो वीडियो है वो GIF फॉर्म में हो जाएगा।
सो उसके बाद अगेन आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद स्टेटस में जाना है और स्टेटस में आपको रिसेंट में दिख जाएगा आपका वो वीडियो। उसके बाद जो है आप उस वीडियो को जो है सेलेक्ट करके जो है आप लगा सकते हैं स्टेटस में और वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा आपको कट करने का क्योंकि वो एक GIF फॉर्म में है और वो आपका पूरा का पूरा वीडियो है। सो वैसे जो है आप किसी भी वीडियो को जो है लगा सकते हैं बट यहाँ पर आपका जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगा। सो आप लोग को यहाँ पर साउंड नहीं मिलेगा बट आप पूरा का पूरा वीडियो को जो है अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो का जो हमारा सबसे आखिरी ट्रिक है वो ये है कि कैसे जो हम किसी के भी चैट को हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए जिसका चैट हाइड करना चाहते हैं उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और वहाँ पे आपको ऊपर में एक आइकन मिल जाएगा जिसे हम लोग आर्चीव चैट कहते हैं और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चैट जो है हाइड हो जाएगा। सो उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आर्चीव चैट का और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जिन जिन का चैट हाइड किया है वो सारे चैट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और उनके मैसेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं और यहीं से जो है आप उनके मैसेजेस को रिप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैट को अनहाइड करना है तो फिर से उसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनआर्चीव का और उसके बाद जो है आपका जो चैट जिसको आप हाइड किए थे उसे जो है आप अनहाइड कर सकते हैं। सो बहुत ही कमाल का फीचर है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ कूल अमेजिंग हिडन व्हाट्सएप ट्रिक्स। सो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने ट्रिक्स आप लोग को मालूम थे। सो गाइज थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन हैव ए ग्रेट डे। Through the wastelands, through the highways, and I